सेहत है तो सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर गेटवे ऑफ एनर्जी। मैं हूँ राहिला रहमान। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं होलिस्टिक हेल्थ के बारे में। आपने ये कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इसके सही मायने क्या हैं ये आज आप जानेंगे। और साथ ही क्या होलिस्टिक हेल्थ अचीव करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज़ मौजूद हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे इंडिया के जाने माने नेचुरोपैथ एक्सपर्ट एंड एक्यूपंचर एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष जी एंड डॉक्टर माई देशमुख जी, जो जुड़े हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ सेंटर से। एक ऐसी जगह है जहां मिलती है आपको अधिकतम सेहत। डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर पे व्यक्ति की सेहत का, चाहे फिर वो बॉडी हो, माइंड हो या फिर सोल, सभी प्रकार के स्वास्थ्य का पूरा आकलन किया जाता है और उनका होलिस्टिक थेरेपीज, एक्यूपंचर, हाइड्रोजन थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, HBOT जैसे कई साइंटिफिक और इफेक्टिव थेरेपीज से उपचार किया जाता है। महाराष्ट्र गौरव के अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथ और एक्यूपंचर के विशेष एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर संतोष से जुड़ी हुई एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माई देशमुख, जिनके पास 25 सालों का अनुभव है। इन दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स के निर्देशन में लोगों के तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो डायबिटीज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई और समस्या, तमाम रोगों का सटीक उपचार किया जाता है। अब तक अनगिनत लोगों की सेहत सेवा डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर में हुई है, और भविष्य में भी ये सेंटर अच्छी सेहत और सेहत के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है। शो की शुरुआत करने से पहले आइए स्वागत करते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर माई देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई भी सवाल मैं पूछूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि सवाल पूछने का मौका आपके पास भी है। दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे नंबर्स, तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले होलिस्टिक हेल्थ, जो कि मैंने बोला भी ज़्यादातर लोग इसके बारे में अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? जैसे कि हम होलिस्टिक संकल्पना को स्पष्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड का एक छोटा सा छोटा कण, अणु, रेणु, परमाणु, ये दोनों को हम सोचते हैं तो एक होलिस्टिक ब्रह्मांड का वो एक छोटा सा कण, अणु, परमाणु, रेणु, जो भी है, एक छोटे से छोटा सा हिस्सा, ऐसे हम चल के मानते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, बोलते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है वो सारा हमारे शरीर में है, यानी कि पंच महाभूत जी, फाइव एलिमेंट्स, और हमारे यिन यांग, ये सारा हमारा जो शरीर बना है ये बना ही होलिस्टिक बेस पर है। इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। किस लिए? पूरा रिजल्ट देने के लिए। जी बिल्कुल। और ये आजकल के ज़माने में आप कैसे कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्यों? बहुत अच्छा बोल पूछा आपने कि आजकल के ज़माने में जी। क्योंकि आजकल का ज़माना और पुराना ज़माना, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। यूँ कहो तो आज के लोगों को वो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे ऐसा भी कभी होता था, यकीन ही नहीं कर पाएंगे, इतना परिवर्तन आया हुआ है। और आज के ज़माने में जो हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, या उससे भी आगे जाके मैं कह सकती हूँ, जैसे उनका गर्भ में आते हैं वहीं से उनका पोल्यूशन शुरू है। क्यों? क्योंकि माता जो है वो प्रेगनेंसी पता चलती है उसको 2-3 महीने में, लेकिन तब तक पूरा कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, सारे जो हमारे 3G 4G 5G पता नहीं और कितने जी आने वाले हैं, तो वो सारे प्रदूषण का पूरा ग्रहण करके ही वो आ रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। दूसरी, जो पहले से लोग आए हुए हैं, हो सकता है मेरी पीढ़ी, मेरे आगे की पीढ़ी, उसके थोड़ी एक पीछे वाली पीढ़ी, इन लोगों ने एक अपनी प्रगति करने की एक रैट रेस में जी। इतनी भागदौड़ की है कि जिस शरीर के सहारे उनको जीना है,
मतलब विद दिस मशीन ओनली वी आर गोइंग टू एग्जिस्ट, और इसी को हमने ध्यान नहीं दिया है. बिल्कुल, इसी को पूरा अनजान बन के हम बस दौड़ रहे किसके लिए दौड़ रहे मालूम नहीं है. तो ये जो हमने अपने आप को इग्नोर किया है, इसी कारण भी हमको होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी होता है. डॉक्टर संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो ये हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ को अचीव करने के लिए किस तरह के बेनिफिट्स हैं, किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? तो जिस तरह से वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट, सो सबसे पहले हम उनकी होलिस्टिक काउंसलिंग करते हैं. क्या होता है, कभी कभी हमें जब तक जड़ से चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक उनका इलाज करना बहुत मुश्किल है. चूँकि हम लोग उनका जो भी इलाज करते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज नहीं करते, उनके जड़ से बीमारी निकालने की कोशिश करते हैं. तो हमें जानना जरूरी है कि बीमारी का जड़ कहाँ पे है. तो जैसे अभी डॉक्टर माई देशमुख जी ने बताया कि सारी चीज़ें बचपन से शुरू हो जाती हैं, उसी तरह से हमारा खाना पीना देखिए, हमारा जो रहन सहन देखिए, आज सब्जियाँ इतनी सुंदर सुंदर सब्जी देखेंगे, सुंदर सुंदर फल देखेंगे, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है जी. तो हमारी जो कोशिश है होलिस्टिक अप्रोच को लेके, और हम एक तरह की मुहिम पे लगे हुए हैं कि लोगों को बताएं कि आपको क्या खाना है, क्या कैसे रहना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन जो आप अपने आप से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं की जाने की जरूरत नहीं है. और बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, सो मतलब एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें जी. क्योंकि आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है जी. लेकिन ये देखना है कि बीमारी किस तरह की हो जाए कि हम उसको आसानी से होलिस्टिक ट्रीटमेंट के थ्रू इसको निकाल सकें. इसके लिए हम लोग लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तरह तरह के कैंप्स रखते हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं. और उसके साथ साथ जो पेन एक्स पैरालिसिस डायबिटीज ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां होती जो मेडिकली लाइलाज हैं, जो इनको बोला जाता है इनका कोई इलाज नहीं है, उन तक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू कैसे उनको काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जाए, या अगर इनिशियल स्टेज में उनको ठीक कर दिया जाए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग करते हैं. और एक बात मैं जैसे डॉक्टर संतोष जी ने अभी बताया इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अब लोग पूछेंगे कि भाई पहले भी हम दवा लेके ठीक होते थे, अभी नहीं हो रहे. वो दवा जो पहले असर कर रही थी आज नहीं कर रही है. कारण हमने हमारे शरीर को इतना बिगाड़ के रखा हुआ है कि जो हम खा रहे हैं वो अन्न भी हमें अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, तो दवा कहाँ से देगी. तो इसलिए सारे शरीर को जो बिगाड़ा हुआ है हमारी दैनंदिन अवस्था ने, दैनंदिन परिस्थिति ने, और ये रैट रेस में जो भाग दौड़ हम कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको लोगों की मानसिकता ठीक करनी है. मानसिकता अगेन फिर होलिस्टिक अप्रोच में आती है. उनको यह समझाना पड़ता है कि ये गोली लेना है, ये दवा लेना है, ये ट्रीटमेंट करना है. तो वो दवा का सही असर देने के लिए हमारे सेंटर में हमने एक्यूपंक्चर रखा है, साथ में हाइड्रोजन रखा हुआ है, ओजोन रखा हुआ है, क्रायो है, उसके बाद में कपिंग है, कहीं सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन अल्टरनेटिव थेरेपीज हमारे पास उपलब्ध है. वो बीमारी का स्तर देख लेते हैं किस लेवल पे है, वो परिणाम देख के उनके टेस्ट वगैरह करा के उनको ट्रीटमेंट दी जाती है. बीच में भी उसका एनालिसिस होता है कि भाई इनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट बदली जाती है. और ऐसा करके हो सकता है 10 दिन में हो, किसी को 1 महीने में हो, किसी को 1 सिटिंग में फर्क आया हुआ है. ये होलिस्टिक अप्रोच के लिए डॉक्टर संतोष जी बहुत फेमस है और लोगों का बहुत प्यार पाते हैं. बिल्कुल, ये प्यार पाने के लिए और ये ट्रस्ट लाने के लिए किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपने की है और वो उसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं. और मैं चाहती हूँ कि आपके एक पेशेंट मेजर अभय सप्रो जी, वो अपनी ज़बान से बताना चाहते हैं कि कितना फ़ायदा उनका हुआ है इस ट्रीटमेंट के बाद और कितने चेंजेस उनकी लाइफ में आए हैं. तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दर्शकों के साथ वो वीडियो शेयर करना चाहूँगी. हेलो, आई एम मेजर सप्रो, आई सर्व इन द आर्मी. And this testimonial is for Dr. Pandey. I have a chronic stomach problem. This is something I picked up when I was operating in the Northeast. और कई डॉक्टरों के पास में गया. शाम को bloating हो जाती है, indigestion. And I tried all sort of medication, nothing worked. The other thing that I also asked Dr. Saab to address, I'm an ultra runner and I run long distance, 200 kilometers plus. Lately, in the last 2 years, I found that my energy levels were coming down. So maine doctor saab se guzarish kari ki kariye kuch stomach ke liye, jo ki chronic hai bilkul. I've tried all the doctors from Delhi to Bombay, nothing really worked. And I'm very happy to say and share it that
think I've just about 10 or 12 sessions. My stomach is sorted out. My energy levels have gone up considerably. And I'm actually now looking forward. इतने सालों से आर्मी में होने के बावजूद इतनी लंबी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी उनकी और कहीं सही नहीं हो पाई और आपके पास आकर सही हुई, तो आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं और इनकरेजमेंट मिलता है तरह तरह की चीज़ों को, जैसे हमारे होलिस्टिक अप्रोच है और भी चीज़ें कैसे हम विकसित कर सकें उनको वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी जो हमारा अध्ययन है एक तरह के हमारे जो रिसर्चेज हैं, हम बाहर से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स जो हेल्थ रिलेटेड हैं उनको लेके आते हैं, काफ़ी उसके ऊपर स्टडीज चालू हैं और जब हमारा पेशेंट हमसे खुश रहता है तो हमको ऐसा लगता है हमको सब कुछ मिला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप बता रहे थे कि मानसिकता और ये सारी चीज़ें एक तरीके से पहले ट्रीट की जाती है, काउंसलिंग पहले की जाती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो आपके यहाँ दिया जाता है उसको हम रिलेट कर सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से? देखिए, साइकोलॉजी यानी कि हमारे मन की अवस्था, हमारे विचारों की अवस्था, हमारे चिंतन मनन की अवस्था, वो सारी हमारे शरीर के प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। जी, जैसे सीधे तौर पे कहूँ तो जो हम खाते हैं, खाना खाने के बाद में, जैसे मैंने कहा था एक बार कि खाते समय हम सिर्फ फूड नहीं खाते हैं, वो माहौल भी खाते हैं, वो थॉट भी खाते हैं जिसका हम विचार करते हैं, तो वो सब खाने के बाद में उतना वो पचाने की ताकत हमें होनी चाहिए। पहले ज़माने में उसके लिए काम करते थे, कम से कम 10-12-15 घंटा लोगों का काम होता था, मेहनत होती थी, पसीने बहाते थे। पसीने का आजकल नामो निशान नहीं है। आपको यकीन नहीं आएगा कितने सारे पेशेंट इस चीज़ के लिए आते हैं कि हमको पसीना नहीं आता है। यहाँ तक हम आ चुके हैं कि इंसान की सारी प्रक्रिया बिगड़ गई है, तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता है, हमारे मन पर भी होता है। तो मन की अवस्था बिगड़ जाती है, तो मन की अवस्था बिगड़ जाती है पता कैसे चलती है? इंसान घर में किसी से बात करना बंद कर देता है, बोर देर तक एक ही रूम में रहेगा, सोता रहेगा, बिस्तर से ओढ़ के पूरा ढक के सोता रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको गौर करनी चाहिए, और ये गौर करने के लिए घर के सारे लोगों का एक दूसरे की तरफ ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक रोग इसके नाते बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो मानसिक रोगों का चिकित्सा बहुत अच्छी तरीके से एक्यूपंक्चर में किया जाता है। हर ऑर्गेन से एक एक इमोशन जुड़ी हुई है, तो वो इमोशन जैसे गुस्से के लिए करना है, फियर के लिए करना है, आपको जलसी है किसी के बारे में उसके लिए सोचना है, तो हर एक ऑर्गेन से वो आदमी का स्टडी करने के बाद में, पेशेंट का स्टडी करने के बाद में पॉइंट्स चुने जाते हैं, और वो पॉइंट्स को स्टिम्युलेट करने के बाद में, मोक्सा देने के बाद में उसको रिजल्ट जो चाहे हम दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको चुभाने के बाद में, जिनको वहाँ स्टिम्युलेशन देने के बाद में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि नेचुरली सीक्रेट होना बंद हो चुका है। Exactly. गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। और एक बात यहाँ मैं और अच्छे तरीके से बोलना चाहती हूँ कि आज अगर आप गोली खा रही है असर नहीं हो रहा है, एक साल से गोली खा रही है असर नहीं हो रहा है, अगर आपने एक 10 सेशन एक्यूपंक्चर के कर लिए और वही गोली आप खाती रही तो आपके बाद में रिपोर्ट्स में चेंज जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं ये कह सकती हूँ कि एक्यूपंक्चर के बाद में सिर्फ गोलियां नहीं, आप जो खाना खाते हो, आप जो भी इंटेक कर रहे हो, हवा है, पानी है, खाना है, हर किसी चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इतनी ताकत है इस अप्रोच में है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सीरियसली मेरी और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं चाहूंगी कि मेरे एक फ्रेंड है उनके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं रिकमेंड जरूर करूंगी। सीरियसली थैंक यू सो मच डॉक्टर, हेल्पिंग पीपल सो मच इन अ बेटर वे। और आप लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए आपको कि एक ज़मीन से जुड़ी हुई, अगर मैं कहूँ तो इसे, ये चीज़ है नेचुरली अगर आप हील कर रहे हैं अपनी बॉडी को तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट होकर हमें इसे अपनाना चाहिए। और अगर कोई भी आपके मन में अभी डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो शो हालांकि ख़त्म हो गया है लेकिन उसके बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर, 4D/4E, 4th फ्लोर, विक्टोरिया प्लाजा, अबव फैब इंडिया, SV रोड, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई, और प्लॉट नंबर 4, मैपल बिल्डिंग, 10 रोड, JVPD स्कीम, विट्ठल नगर, जुहू, मुंबई। हमारे नंबर्स हैं 9372143281, 8097555447। हमारा ईमेल आईडी है info@drsantoshp.com। लॉग ऑन करें
www.drsantoshp.com। डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर गेटवे ऑफ एनर्जी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।